हाँ दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ MBBS फैक्ट चैनल पे। आप सभी नीट एस्पिरेंट से मैं बात करना चाहता हूँ जो कि इस बार 2023 में नीट एग्ज़ाम को दिए हो। तो नीट एग्ज़ाम आपने दे दिया, आंसर की भी उसका आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। आप जिस जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ते होगे वहाँ से आंसर की रिलीज़ कर दिया गया, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपका नीट 2023 क्लियर हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। कुछ नंबर से छूट जा रहा है या फिर काफ़ी कम नंबर आ रहे हैं या फिर मैं क्वालिफाई हो रहा हूँ। जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, आगे मेडिकल कॉलेज में जाओ और धूम मचाओ। और जिनका नहीं हो पा रहा है उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो वो तो आप ड्रॉप ले सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपने पोटेंशियल है और मेहनत करके आप क्लियर कर सकते हो आने वाले समय में, तो आप बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए भी आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप उनमें से हो कि थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हो और फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा, मार्क्स वही 200 250 150 आ रहे हैं, तो मैं आपको बताने आया हूँ। और आप बहुत डाउट में भी हो कि इस फील्ड को मैं छोड़ के कहाँ जाऊँ, मेडिकल फील्ड से वो बायो लिया था 12th में तो क्या स्कोप होगा, नहीं होगा, अगर होगा भी तो प्राइवेट कॉलेज में अगर मैं लेता हूँ किसी भी डिग्री के लिए तो उसमें बहुत पैसे लगेंगे, तो मैं अब क्या करूँ। तो उन्हीं लोग के लिए ये स्पेसिफिक वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ आपके लिए, और आप इस वीडियो पे एंड तक बने रहना। आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प होने वाली है कि आपके पास पैसा नहीं है, नीट ये हो बहुत बार बट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हो। तो मैं एक जेन्युइन चीज़ मैं आपको बताऊँगा, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं, ये वीडियो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था क्योंकि मैं एस्पिरेंट्स लोग के लिए एक कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, तो मैं सोचा कि ये चीज़ आपको बताना बनता है। मैं अपने तक रख लेता तो मुझे क्या फ़ायदा, मैं मुझे जान के दो चार लोग को बता दो क्या फ़ायदा, तो इसलिए मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ जिससे बहुत लोगों की हेल्प हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर नीट नहीं हुआ तो क्या, नीट में मार्क्स नहीं आ पा रहे तो क्या, नीट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो क्या, पैसे नहीं है मेरे पास एडमिशन लेने के लिए 8-10 लाख रुपए तो क्या। तो ये सब क्वेरी आपका इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा और एक सजेशन दूंगा। ये नहीं बोलूंगा कि आप जाओ कर ही लो, मैं एक सजेशन दूंगा, आप जाकर उसे जेन्युइनली देखना कि सही बात है कि या मैं कुछ मिसगाइड कर रहा हूँ। आप लोग को जाकर ज़रूर देखना कि दरअसल बात असलियत में है क्या। मैं आपको जेन्युइन वेबसाइट भी बताऊँगा एक अभी आने वाले वीडियो में कि क्या आपको करना है, कैसे वो चीज़ आप उसका बेनिफिट उठा पाओगे। ठीक है, चलिए आइए वीडियो का आगे आप बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका नीट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो आप और कौन कौन सा डिग्री कर सकते हो आफ्टर 12th। तो आपके पास बहुत डिग्री ऑप्शन है मेडिकल फील्ड में भी, जैसे कि जो कि बहुत पॉपुलर है मैं उसका नाम ले लेता हूँ, BSc नर्सिंग है, बी फार्मा है, फिर आपका फिजियोथेरेपी है, फिर आपका फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, फिर आपका बहुत है लैब टेक्नीशियन हो गया, ऑपरेशन थिएटर में जो वर्क करते हैं उनका हो गया, एनेस्थेसिया वाला हो गया, बहुत ऑप्शन है। और एक मैं आपको अभी ट्रस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि 2005 में इस्टेब्लिश हुआ है। जी आप सही सुन रहे हो, ट्रस्ट आपको पढ़ाएगी, आपका हेल्प करेगी। मैं उस ट्रस्ट का नाम लेने जा रहा हूँ जिसका नाम है रोज माइन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये 2005 में इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है, ये अभी 10 स्टेट्स में आपको कॉलेज अलॉट करा रही है। इनका काम है कॉलेज अलॉट कराना, ये एक एनजीओ की तरह काम करते हैं जो कि आप बच्चे हैं जिनके पास मतलब एडमिशन कराने के पैसे नहीं है, लाइक मिडिल क्लास के लोग हैं और एडमिशन कराने के लिए उतने पैसे नहीं हैं, तो इनके पास आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जाकर, ठीक है, और आपका ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, काउंसलिंग करेंगे आपके कॉलेज। आपको ये मेन बात इनका है कि ये गवर्नमेंट से और ये रजिस्टर्ड ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, एजुकेशनल ट्रस्ट है। इनका मोटिव है कि बच्चों को मतलब जो बच्चे निराश हो जाते हैं मिडिल क्लास के लोग, थोड़े से पैसे के लिए वो अपने ड्रीम को छोड़ देते हैं या फिर उस फील्ड को ही छोड़ देते हैं, तो ये पढ़ाने का एक जिम्मेदारी लेते हैं बच्चों को। तो ये बहुत ही एक जेन्युइन ट्रस्ट है और मेरे जान पहचान के लोग भी दो चार लोग गए हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप आँख बंद करके वहाँ चले जाओ, मैं उसका लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दूंगा या फिर स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा, फ्लैश करा दूंगा, वहाँ आप चले जाओ और आप खुद से
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वजह से, आप खुद से उसको सर्च करो, आप इतना बुड़बक तो नहीं हो, नीट एस्पिरेंट हो, इतना मोबाइल चलाने आता होगा, जाओ वहाँ पे सर्च करो, खुद से एनालिसिस करो उस वेबसाइट का, बात करो, कॉल नंबर दिए, ऑफिसेज भी हैं, आप अदर स्टेट्स में, जैसे कि वो 10 स्टेट्स में अभी ऑपरेशनल है, मतलब ऑपरेशनल मीन्स कि वो वहाँ पे कॉलेज अलॉट करा रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, उड़ीसा है, ये सब, उत्तराखंड है, ये सब जगह पे वो अलॉट करा रहे हैं, और भी बहुत सी जगह, नोएडा है, ये सब जगह पे वो अलॉट करा रहे हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से इंडिया के, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप अदर स्टेट से भी उसका ऑफिस ढूंढ कर जा सकते हो, या फिर ऑनलाइन बात करके, फ़ोन पे कॉल करके आप पता कर सकते हो उसके बारे में, और उसके थ्रू आप कहीं पे भी जा सकते हो, किस डिग्री के लिए भी, फार्मा जाना है, फिजियोथेरेपी करना है आपको, या कुछ भी करना है, तो आप उसके थ्रू आप जा सकते हो, वो आपका एडमिशन फ़ी पूरा वो पे करेंगे, और बाकी का जो खर्च होगा, जो जैसे कि हॉस्टल फीस स्पेशली, वो आपको पे करने होंगे। लेकिन आप अगर एडमिशन फ़ी नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से, तो वो ये ऐसा ट्रस्ट है, एजुकेशनल ट्रस्ट, कि ये आपको एडमिशन कहीं पे भी करा देंगे। और स्पेशली इनकी एक खासियत है, इनके अंडर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज अवेलेबल हैं, इनके बहुत टाई अप है, मतलब ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे, ध्यान देना, गवर्नमेंट कॉलेज। आप पैसे लगा कर जा रहे हो तो आप प्राइवेट में ही जाते हो, अधिकतर लोग जो पैसे लगा के जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके थ्रू काउंसलिंग करवा रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होंगे, याद रखना इस चीज़ को, एफिलिएटेड कॉलेज आपको अलॉट होंगे। तो ऐसा जो भी हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप जाओ खुद से एनालिसिस करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, खुद से उस वेबसाइट पे जाओ, चेक करो क्या क्राइटेरिया क्या है, कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप इस चीज़ को प्रीफर कर सकते हो, रोज़माइंड करके है, रोज़माइंड एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप डायरेक्ट चले जाना, या फिर आप गूगल सर्च भी करोगे रोज़माइंड ट्रस्ट करके, बोल रहा हूँ बार बार, ये प्रमोशनल कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, बाई चांस मिल गया, एक फ्रेंड भी मेरे को बताया कि भाई ऐसा बात है, तो मैं उसके बारे में सर्च भी करा, तो मुझे लगा कि आप लोग को बताना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, आप जाओ खुद एनालिसिस करो, आप खुद जाकर बात करो, उस ट्रस्ट से जुड़ो, और आपको बेनिफिट ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, आप पता करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताओ अपना फीडबैक, कॉल पे बात करके या कुछ भी मेरे को फीडबैक देना, कि मैं सही आपको बताया हूँ, और इस चीज़ से रिलेटेड और वीडियो डिटेल में लाऊँ, क्या करूँ नहीं करूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक अपना राय, मतलब 100% अच्छा, मतलब समझ रहे हो, जेन्युइन कमेंट आप मुझे करो, और मैं उसको देखूँगा, फिर इससे रिलेटेड मैं वीडियो लाऊँगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ाई करो, और निराश नहीं होना है, आप ही हो जो कि खुद का फ्यूचर बदल सकते हो, किसी और के सहारे मत बैठो, खुद पे ध्यान दो, फोकस करो, खुद पे काम करो। और एक बात और बताना चाहूँगा, ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना है, ठीक है, ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन नहीं हो पा रहा है तो दूसरे ऑप्शन पे जाना है, दूसरा ऑप्शन नहीं हो पा रहा है तो तीसरे ऑप्शन पे जाना है, तीसरा ऑप्शन नहीं हो पा रहा तो चौथे ऑप्शन पे जाना है, और चौथा ऑप्शन भी नहीं हो पा रहा है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ पा रहे हो, नीट एस्पिरेंट हो तो मैं उसी के लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, अगर वो चारों ऑप्शंस में से आपका कोई सही नहीं हो पा रहा है, फेलियर हो जा रहे हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर जाएंगे, उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, कैसे नहीं होगा, कोई ना कोई तो ऑप्शन सही करके रहेंगे हम लोग। तो इस बात का ध्यान रखो, गांठ बांध लो कि आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप अपना ज़िंदगी खुद बदल सकते हो। चलो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, और निराश नहीं होना है, ऑप्शन ढूंढना है और उसमें फोड़ देना है। चलो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।